सबसे पहले पहला जो स्टूडेंट है इसका नाम है लोकेश, लोकेश मीणा, लोकेश मीणा। ये प्रॉपर कहां से है? लोकेश मीणा जो आपका है वो प्रॉपर है सांबर लेक जिला जयपुर, मतलब ये जोबनेर के पास का है, जयपुर का रहने वाला है। इसकी स्कूल की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्कूल है राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पचकोड़िया। मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे की इसके वर्ग के अंदर, इसकी कैटेगरी के अंदर, जेईटी के अंदर 10th रैंक रही थी और उसका नतीजा यह रहा कि यह राजस्थान की सबसे जो टॉप कॉलेज है एमपीयूएटी के अंदर आरसीए कॉलेज, इसके अंदर यह बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए सबसे पहले वो बच्चा जिसकी ओवरऑल राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर सामान्य वर्ग में सेकंड और एबीसी के अंदर फर्स्ट रैंक रही, उस बच्चे को जसवंत सुमन को बुलाना चाहूंगा कि आप बेटा एक बार मंच पे आए। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, जसवंत सुमन को बुलाने का मेरा मोटो इतना साफ है कि जब कभी भी कोई बच्चा पढ़े या कहीं देखे तो वो ये सोचे कि मैं भी इतनी मेहनत करूं कि 12वीं पास करते ही मुझे रॉयल जैसा एक प्लेटफॉर्म मिले जो मुझे सम्मान देने के लिए भी जो है मतलब मैं तैयार रहूं। और आज इसके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी कि मेरा बच्चा जो इसके साथी है उनको भी मान सम्मान दे रहा है और इनके बच्चों को इनके साथ वाले उनको भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको मेरे साथ रखूंगा। और इसके साथ में मैं बुलाना चाहूंगा लोकेश मीणा को, आप आए एक बार। मैं चाहूंगा मेरे जो साथी हैं उनसे कि इसका हौसला बढ़ाए और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग बधाई दे बच्चे को और इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है लोकेश लाइए मैम। आओ बेटा आप माला पहनाओ बच्चे, अपन फोटो में ले लूंगा मैं आपको साथ में। ये लो आओ आप इधर आ जाओ बेटा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब मैं लोकेश से पूछना चाहूंगा। हाँ लोकेश आप हाथ में रखें अपने, थोड़ा सा पास में रखें। सबसे पहले आप इनको ये बताएं कि आपने प्रॉपर कहां से आप एक बार इनको आपने गांव के बारे में बताएं। मेरे गांव का नाम हबसपुरा है। थोड़ा सा आप तेज बोले। मेरे गांव का नाम हबसपुरा है, सांबर तहसील है, जिला जयपुर है, राजस्थान से रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। आपने 10th कहां से की? मैंने 10th शिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ममाना से की। बहुत बढ़िया। और 12th कहां से की आपने? मैंने 12th राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पचकोड़िया राजस्थान से की। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको रॉयल की जानकारी कहां से मिली? मैं जब राजधानी में पढ़ रहा था तो मैं 11th में था और वहां 12th के बच्चे वो क्रेश कोर्स करने के लिए यहां पे आए, उन्होंने बताया कि रॉयल अच्छा संस्थान है। मेरा राजधानी में पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैंने लॉन्ग ईयर के लिए रॉयल को चुना। अच्छा आपने लॉन्ग ईयर के लिए रॉयल को चुना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब यहाँ सोच के आए थे और आपके साथियों ने कहा था कि रॉयल बढ़िया है मान लो, तो आपको यहाँ क्या लगा, मतलब जो जो आप सोच के आए थे स्टाफ के बारे में, तो आप स्टाफ के लिए क्या कहना चाहोगे मतलब यहाँ के बारे में? मैंने आज तक जहाँ भी पढ़ा वहाँ सर्वश्रेष्ठ स्टाफ यहाँ पे है, मैं सोच के आया था उससे अधिक ही मिला मुझे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने रिस्क उठाई थी कि 12वीं के बाद मुझे एक साल तैयारी करनी है, फिर अचानक कोरोना की वजह से ऐसी परिस्थितियां आ गई कि अपने को बंद करना पड़ गया सिस्टम पूरा, तो उसके बाद में मतलब संस्थान की तरफ से आपको क्या ऐसा लगा कि भाई अभी कोरोना आ गया आप क्या करें, या संस्थान ने आपको क्या साथ दिया इस टाइम? नहीं सर, कोरोना पे घर जाने के बाद संस्थान हमारे साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ रहा और प्रॉपर क्लास जैसे क्लास में लगती थी वैसे ऑनलाइन लगी। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे यूँ जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जैसे 10th रैंक आई है ओवरऑल करके आपके वर्क के अंदर, तो आपका क्या शेड्यूल रहता था, मतलब आप पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? मतलब जैसे सर बताते थे उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करता था। अच्छा कई बार बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन उनके नंबर नहीं आते हैं, तो अपने यहाँ डीपीपी एक्सरसाइज से टेस्ट से पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ, तो आप क्या वो डीपीपी एक्सरसाइज आप सोल्व करते थे? हाँ सर सोल्व करता था। बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं पुनः आप लोकेश आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपका चयन राजस्थान का जो सबसे टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है आपका एमपीएटी आरसीए कॉलेज उदयपुर आपको मिला है। एक बार मैं आपके पेरेंट्स को भी
एक बार हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने रॉयल संस्थान पे विश्वास किया, और मेरी टीम को भी दूंगा जिन्होंने इतनी मेहनत कराई कि आज बच्चा जो है टॉप 10 के अंदर आया है, 10 इसकी रैंक आई है और राजस्थान का सबसे टॉप जो कॉलेज है ये इसको मिला है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, ठीक है। एक सेकंड, मैं मिठाई खिलाता हूं, भूल गया मैं। ये लो बेटा, सर हमारी फोटो ले, ये लो। बहुत बढ़िया बेटा, हमारे हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरीके से। हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद में आपको आगे फिर फाइनल ईयर तक जाना है, फिर आपको अगर आपके जो सपने मान लो जो कुछ भी आप करना चाहते हो तो आपको लगातार पढ़ना है, आपको चार काम लगातार तब तक करना है जब तक कि आप पढ़ लिख के सेट नहीं हो जाओ, सक्सेस नहीं हो जाओ। और मैं तो कहूंगा उसके बाद में भी करना चाहिए, अपने मम्मी पापा और आपके गुरुजी और इसके अलावा सरस्वती माँ, इन चारों का आपको लगातार सम्मान करना है बेटा, ठीक है। एक बार पुनः पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, थैंक यू, ओके बेटा।